हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जानूंगा कि अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड का प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि बोल रहे हैं करण भैया आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी प्रोसेस में बताऊँगा, अगर आपके पास अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड का ऑप्शन आ जाते हैं तो उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं कि अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड में ना तो उसमें स्टोरी लगेगा, ना तो किसी भाई किसी को कमेंट कर पाएगा। मुझे मतलब ऐसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं कि एक वीडियो के लिए आप काफ़ी सारे मुझे परेशान कर देते हैं। तो मैं आज के लिए सोचा आप सबके लिए एक मैं वीडियो ही बना के तैयार कर दूं। जब मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट वमेंट फोन ऑन आ जाते हैं तो मैं सोचता एक वीडियो ही बना के सबको बता दूं जो भाई ये प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूँ कि अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड की प्रॉब्लम, अगर आपके पास अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड का प्रॉब्लम आया है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है, कि दोनों टिप्स मैं दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं फेसबुक से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं फेसबुक आईडी पे हूँ। जब आपके पास अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड का ऑप्शन का मतलब क्या है, आप मान लेते हैं कि किसी को कमेंट में गाली दिए हैं या किसी को कमेंट स्टोरी में कुछ गलत गलत चीज़ अपलोड की है, तब आपके क्या कर रहा है कि फेसबुक ने क्या किया, स्टोरी में स्कैनिंग लगाया है। स्कैनिंग मतलब आप कुछ भी इलीगल चीज़ जो फेसबुक को गाइडलाइन पालन नहीं करता है वो स्कैनिंग करता है कि ये भाई, ये जैसे कि कोई ब्लड हाथ काट के लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देते हैं, कोई कुछ भी मर्डर कर लगा देते हैं, कि अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। ठीक है, तो उस तरह जब आप वो लगा देते हैं तो आपको प्रॉब्लम रहता है कि भाई ये हमको इसी तरह से स्कैनिंग, जब आप ये गलत इलीगल हो जाते हैं तो आपको वहाँ से बैन कर देता है। ठीक है, वहाँ से आपको बैन कर देगा। आपको बैन कब तक करेगा, आपको 28 दिन तक करेगा, 56 दिन तक करेगा, 84 दिन तक करेगा। ठीक है, इतना दिन तक करेगा। आप सोचे आपको 5 दिन भी 2 घंटे भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि 2 घंटे भी बैन रहता है। तो आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। आप बोलेंगे कि भैया करण भैया मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो देखिए, सबसे पहले इसी रिट्रैक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस मिलेंगे। जब स्टोरी स्टोरी तो कुछ पे लगेगा नहीं, ना तो किसी कमेंट कर पाएंगे, तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ये जो देख सकते हैं कि योर अकाउंट इज रिस्ट्रैक्टेड फॉर 13 hours, तो आपको 13 घंटे में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये 13 घंटे में क्या है, जो आपकी प्रॉब्लम जो मतलब स्टेटस लगा सकते हैं, पब्लिक पोस्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ से 26 दिन जो लिखा है 26 डेज, वहाँ से आपको 26 दिन तक आपको मतलब कुछ गलत सलत अपलोड नहीं करनी है। ठीक, तो गलत सलत मतलब कुछ भी इलीगल चीज़ जो कि किसी का कुछ भी जो मतलब गाइडलाइन पालन ना करता हूँ, ऐसा चीज़ इतना अपलोड ना करे। और कमेंट देख सकते हैं नीचे, कमेंट जो 24 घंटा लिखा है 24 आवर्स, तो 24 घंटा में आपकी कमेंट सही हो जाएगा, जबकि ये आपको मैं बता रहा हूँ। आपको जब सीधी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से जैसे कि योर कॉन्टेंट पोस्ट कमेंट फॉर 24 hours, तो आपको 24 घंटा तक आपकी फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये मतलब कुछ भी ग्रुप ग्रुप में पोस्ट करना है, तो क्योंकि अलग अलग 10 जन अलग अलग इसमें बैंड किया, जैसे कि आप फेसबुक के लिए कमेंट के लिए तो कमेंट का 48 घंटा दे देगा, 2 दिन दे देगा। अगर आप फेसबुक स्टोरी के लिए तो आपको 7 दिन दे देगा, 8 दिन दे देगा। ठीक है, उसी तरह जैसे कि लाइक के लिए तो लाइक के अलग अलग दे देता है, जैसे ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो उसका भी अलग अलग दे देता है। तो इसी तरह से सब आपको ऑप्शन मिलेगा। आप सोचेंगे कि मैं जैसे इलीगल चीज़ देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, सेक्सुअल चीज़, जैसे गलत सलत वीडियो जैसे मैंने बताया उसी तरह से भाई ने अपलोड किया था, तो इसलिए सोचा आप सबको क्यों नहीं बता दूं। तो आपको जैसे कि बोलेंगे बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे कि 1 घंटे में और 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। आपको जितना इसमें टाइम दिया आपको वेट करना पड़ेगा। आप कितना भी फेसबुक पर मेल कीजिए या फीडबैक कीजिए, लेकिन आपको फेसबुक नहीं सुनेगा, आपको सिर्फ वेट करना ही पड़ेगा, तब आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे भाई व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करते रहते हैं, बोलते हैं भैया आप मेरे एक मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो भाई रिप्लाई कहाँ से दूँ, मैं तो आपको बता ही रखा कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं यूट्यूब का भी काम करता हूँ। तो इसी तरह से अगर आपको मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो सॉरी यार, मैं किसी को रिप्लाई उतना नहीं दे पाता हूँ, मुझे बहुत सारे से कमेंट आए, इसीलिए आपको मैं इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दिया। तो आपको घबराए नहीं, आपको कुछ टाइम ही तो वेट करना है, कुछ टाइम वेट करना, उसके बाद आप अपना स्टोरी जितना मन चाहे उतना लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दें इस चैनल के कमेंट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं फेसबुक से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।